हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एमन जैन। आज हम बात करने वाले हैं जेट एयरवेज़ के बारे में, और काफ़ी लोअर लेवल्स के ऊपर चल रहा है, तो करना क्या है उसी के बारे में हम बात करेंगे। इनके जो फाइनेंशियल्स आए थे मार्च क्वार्टर के, वो नेगेटिव आए थे, लेकिन अब जून के आने वाले हैं। लेकिन कुछ और न्यूज़ भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको भी आइडिया आ सके कि स्टॉक में क्या करा जाए। इसका अगर आप रेट देखेंगे तो आज 317 के ऊपर चल रहा है, और इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 296 का है, और हाई 883 का है। तो हायर लेवल से ये स्टॉक लोअर लेवल्स के ऊपर आया है और लोअर लेवल्स के ऊपर ही चल रहा है। एक साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगभग काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 800 के ऊपर से ये स्टॉक अब 300 के ऊपर आया है। पाँच साल का चार्ट देखेंगे तो लगभग देखेंगे तो 700 के करीब दो बार गया है। तो ज़्यादा कोई मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिली नहीं है। लगभग ये नीचे आता है 300 के करीब, फिर 700 के करीब जाता है, फिर नीचे आता है। मीन्स कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन्स इस कंपनी में हो रहे हैं। तो इनके जो फाइनेंशियल्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 3600 करोड़ का है, EPS माइनस में है, बुक वैल्यू माइनस में है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। डिविडेंड तो ये कंपनी फ़िलहाल नहीं दे रही है। और इसका अगर एक न्यूज़ देखेंगे तो जेट एयरवेज़ ने जो इनके पायलट्स है या इनके एम्प्लॉइज़ है, 25% तक की सैलरी कट करने को कहा है फॉर एक्सपेंसेस रिडक्शन के लिए। तो इनके एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इनके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 5924 के करीब मार्च क्वार्टर में था, दिसंबर में 6086 के करीब। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आया था मार्च क्वार्टर में, और नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 1036 के करीब इसका माइनस में आया था, और पहले 165 के करीब था। तो डिविडेंड भी ये कंपनी नहीं देती है। और एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इनको अभी कैश की ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट कैश लगने वाला है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कुछ प्लेज भी रख सकते हैं, तो ये भी एक दिक्कत की बात आ सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो सलाह यही है कि फ़िलहाल तो इस स्टॉक में तो आप हाथ ना डालें। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रमोटर्स की 51% की होल्डिंग है, बाकी पब्लिक की। उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स 11 हैं, उसके अंदर आदित्य बिरला सनलाइफ आर्बिट्रेज फंड के अंदर 3.68% की होल्डिंग है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 2% की होल्डिंग लेकर रखी है। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो 65 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, और इसके अंदर एक बड़ा अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर वो है एतिहाद एयरवेज। इनको स्टेक दिया है लगभग 24% का, तो 24% का इनके पास स्टेक है। जेट एयरवेज़ का अगर कोई भी दिक्कत आती है तो जेट एतिहाद एयरवेज़ को भी जो है और स्टेक दे सकते हैं कैश के लिए। तो ये भी एक कारण है। तो अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करिए। इससे अच्छा दूसरा इंडिगो इंटर ग्लोब एविएशन का ले सकते हैं, या दूसरा जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो लीजिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, डी मार्ट, ऐसे स्टॉक लीजिए। तो फ़िलहाल तो ये स्टॉक तो अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। और अगर प्लेज कर लेते हैं इनके जो प्रमोटर्स है कैश के लिए, तो थोड़ी और दिक्कतें कंपनी में देखने को मिल सकती हैं, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू।